जी अरफा के रोजे के बारे में भाई पूछ रहे हैं कि मैं जो रोजा रखूंगा नौ ज़िलहज का, वो सऊदी अरब की नौ ज़िलहज अपने पेशे नजर रखूंगा या अपने मुल्क? मेरे भाई आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो चांद जिसे नजर आया और उसके मुताबिक चल रही ना तारीख, उसके मुताबिक आप 9 तारीख जब होगी ना इतवार का दिन, उस दिन रोजा रखेंगे। आप सऊदीया को नहीं देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं, पाकिस्तान को देखें। लेकिन अभी अभी मेरा रब्ता हुआ है हाफसीर से, हाफसीर के साहब के एक आदमी से, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का मुताबिक रखना है। किसने कहा? हाफसीर साहब का एक मुफ्ती है, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने मुझे कहा सऊदी अरब के मुताबिक रखना है। हाँ उन्हें कहना था ना फिर ईद भी उसके मुताबिक। गल से थोड़ी भी ठीक है, मैं तो सचो पांच पै गया सऊदी अरब के मुताबिक रखेंगे, पाकिस्तान के मुताबिक रखा तो फिर रोजे भी उनके हिसाब से रखेंगे। हाँ ये भी गल ठीक है। तो आपको बता दिया कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की बात किया करें, बाहर का ना देखा करें। अरफा का लफ्ज नहीं आएगा, जो हज वाले अंदर रोजा रखो। अच्छा भाई ऐसा है कि फिर आप सऊदी अरब के मुताबिक अब तक तो आप असर भी नहीं कर सकते। फर्क होता है, एक तो नामी जुल हज की ठीक है पाकिस्तान में बदल गई, लेकिन जो हज होता है क्या उस दिन को अरफा कहते हैं कि यहाँ के नामी जुल हज का नामी को अरफा कहते हैं? अच्छा चलिए आपकी बात सुन लिया, बोलना नहीं है। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सऊदी अरब ही कोई आपने पेश इमाम बनाना है तो अब आप असर पड़ चुके हैं। हाँ असर पड़ चुके हैं, सऊदी अरब में असर नहीं हुई अभी। अच्छा ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने कहा था कि मैंने भाई कहा था कि आप बोलेंगे नहीं, ठीक है, अगर सऊदी अरब को आप रोजे के लिए मेयार बनाते हैं तो ईद के लिए भी मेयार बनाएंगे, अरफा के लिए भी मेयार बनाएंगे। मौलाना ने जो बात बताई है कि नौ ज़िल हज का हुक्म है, आप हज को छोड़ें, जिस दिन आपका नौ ज़िल हज होगा आप उस दिन का रोजा रखें, और जब दस ज़िल हज होगा आप कुर्बानी करें। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ तो फिर कुर्बानी भी आप उनके हिसाब से एक दिन पहले कर लें, अगर हम पहले कर लेते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुर्बानी नहीं सदका है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या करते शुक्र बना रखे। चले मौलाना, मौलाना सवाल ये है कि इस वक्त चूंकि मुल्क के अंदर क्या देखें, ठीक नमाज उनके साथ पढ़ेंगे क्या करें, नहीं तो फिर कुर्बानी भी एक दिन पहले कर ले। मियां ताहिर रुकना चाहिए क्योंकि मैंने कई अच्छे बड़े आलमों से सुना ना कि कहीं हदीस में नहीं आता कॉल लेते होता। जी मौलाना अरफा के बारे में जो अच्छे बड़े उलमा ने छोड़ा है ना कि कहीं नहीं आता कि अरफे का दिन नौ ज़िलहज है, इसलिए अगर वो बाद में है तो हमारा पहला भी हो जाए तो वो बस ईद वो रख लेना उनके साथ ही, क्योंकि नौ की तसरी कहीं अब पूछे इनसे अगर नौ की तसरी नहीं तो वहाँ के लिए भी नहीं, आप फिर उनको कह दें कि छः को एक अरफे का दिन मना लिया करें, सात को मना लिया करें, जब नौ लिखा ही नहीं मिलता तो वहाँ के लिए लिखा मिलता, कुछ नहीं बर्बाद करना चाहते हैं दीन को, सारी चीज़ें लिखी होती। पता है कि जब ज़िलहज की नौ होती है उम्मत का तवातुर है, उम्मत का इजमा है, इसलिए लफ्ज ढूंढते हैं, फिर उनको भी कहें कि नौ के क्यों पाबंद हो, आठ सात को ही कर लिया करें वो कभी। अस्सलाम वालेकुम, बर्बाद करना चाहते हैं लोग। अरफा की बात तो आपने बता दी कि अरफा से मुराद जो उलमा इकराम कहते हैं कि कोई खास दिन नहीं है तो फिर वो नौ ज़िलहज सारा काम ही खत्म हो जाएगा, बेशक पहली को फिर अरफा में चला जाया करें, नौ का नाम तो वहां नहीं लिखा। कोई इजमा भी चीज होती है उम्मत का तवातुर होता, पता होता सारी उम्मत को कौन सा दिन, आप जुमे के दिन का कोई झगड़ा कर ले कि वो कोई पता नहीं हफ्ते से पहले इतवार के बाद है, कर सकता कि नाम रख लो सोमवार का जुमे, तवातुर अमरी है कि उम्मत सारी जानती आ रही कि ये जुमा और ये वो दिन। जी मौलाना इन बातों में कोई झगड़ा शुरू किया जा सकता क्योंकि कुर्बानी के